looking adorable. Thank you so much. I've been doing great. And yeah, now even better because I have some entertainment for myself. Yes, yes. We all have entertainment actually. जो lockdown का time था वो इतना difficult था. Thankfully, I know, तभी कुछ टीवी पे भी नहीं आता था. वेब सीरीज ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी थी हमारा थोड़ा टाइम पास करवाने के लिए, बट नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, सो इट्स जस्ट नाइस. यस यस. सो यू टेल मी, आपको कैसा लगा इनिशियल एपिसोड्स, प्रीमियर एपिसोड आपको कैसे लगे? ऑनेस्टली अब तक प्रीमियर ही हुआ है बिकॉज बाकी तो कुछ देखने का ज्यादा मौका मिला नहीं. कल बस जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट देखने के लिए मिला एंड नाउ आई थिंक इट्स गोइंग टू गो ऑन ट्रैक लाइक जब सब कुछ होने लगेगा. बट इस बार के कंटेस्टेंट्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड मेरे तीन दोस्त हैं अंदर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. हु इज योर फेवरेट? वी नो दैट यू आर यू वुड बी रूटिंग फॉर रुबीना दिलायक, उसमें एंड कोई दो राय नहीं है. राइट. यस. So, उन दोनों के अलावा आपको किसका गेम बहुत अच्छा लगा? तो उन दोनों नहीं, एक्चुअली तीन दोस्त हैं मेरे, रुबीना, अभिनव एंड इजाज. ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. या सो आई एम डेफिनेटली रूटिंग फॉर ऑल थ्री ऑफ देम एंड मेरे हिसाब से वो तीनों एक्चुअली घर के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देयर गेम बिकॉज आई एम श्योर कि अभी तक तो मतलब आज का प्रोमो जब मैं देख रही थी जस्ट लाइव आने से पहले कलर्स के पेज पे कुछ पोस्ट हुआ था, सो आई कैन सी दैट यू नो कि रुबीना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड अगेन आ रहा है. एंड ज्यादा कुछ कल के एपिसोड में देखने नहीं मिला, बट वही होता है ना, पहले दो तीन दिन तो सेट होने में लग जाते हैं, उसके बाद आपको कंटेंट देखने मिलता है एक्चुअल. सो या आप डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि प्रीमियर एपिसोड में यू नो दोनों अलग हो गए, अभिनव और रुबीना? अगर स्टार्टिंग से ही साथ में होते तो लोग बोलते अरे दे आर यू नो साथ में ही है स्टार्टिंग से ही, बट अभी अच्छा हुआ अलग रह लिया तो लोगों को अभी ये भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि इनको अलग करते हैं बिकॉज वो स्टार्टिंग में ही अलग करके देख लिया. एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग के फेज में निकल जाएगा, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इज व्हाट आई फील. और ऐसा करने से ठीक है, उनको भी एक अच्छा कॉन्टेंट भी आपको चाहिए, सो दे विल गेट टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग रुबीना इज एंड आई नो दैट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई थिंक जो हुआ अच्छा ही हुआ. वी आर गोइंग टू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ हर, सो इट्स नाइस. आज का जो प्रोमो यू नो आ रहा है सामने, वी नो हाउ पर्टिकुलर रुबीना इज चीजों को लेकर, खासकर अपने अपीयरेंस को लेकर. वो अपने क्लोथ्स तक काफी बार खुद डिजाइन करती हैं अपने शोज में यू नो और इवेंट्स के लिए, और यहाँ पर उनको यू नो शी इज बीइंग आस्क्ड बाय सीनियर्स टू गिव अवे हर क्लोथ्स फॉर अ वीक. आपको लगता है टफ डिसीजन होगा? ऑनेस्टली फॉरगेट अबाउट बीइंग पर्टिकुलर अबाउट, आप अपने कपड़ों को बहुत लाइक करते हैं, आप स्टाइल करते हैं, मुझे लगता है इट्स वेरी अनरीजनेबल इन जनरल बिकॉज हाइजीन वाइज अगर आप देखें हम में से किसी को भी नहीं पसंद है एक कपड़ों में पूरा हफ्ता गुजारना. बिकॉज एक कपड़ों में कपड़ा मतलब हफ्ता गुजारना मतलब आपके पास कुछ अल्टरनेटिव धोने के लिए भी नहीं है कि आप धोकर वापस पहन लो. अगर दो कपड़े भी होते तो फिर भी शायद समझ में आता कि हाइजीन वाइज आप एक धो रहे हो एक पहन रहे हो, बट अगर आपको एक ही कपड़ों में पूरा हफ्ता गुजारना आई थिंक दैट्स रियली अनरीजनेबल. एंड वो मुझे अच्छा उसका सही डिसीजन लगा अगर उसने शी इज यू नो टेकन द डिसीजन ऑफ स्टेइंग आउटसाइड. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज being a style whatever being into style and fashion or whatever I don't think ki ye kisi ke liye bhi sahi hai in terms of hygiene. Yeah. Big Boss 14 ka jab premiere episode dekha to aapki kuch yaadein taza hui apne 12 wale season ki? Of course mujhe to premiere dekhte hi yaadein taza ho gayi because mujhe chhodne ke liye Rubina had come on the stage. और जब मैं उसको देख रही थी वो स्टेज पे, ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे आई कुडंट लाइक मीट हर और एनीथिंग, बट आई वाज रियली एक्साइटेड. मैं तो अपने घर पे आई वाज स्क्रीमिंग बिकॉज मेरे लिए आप लोगों के लिए जितना बड़ा सरप्राइज था रुबीना का बिग बॉस में जाना आई थिंक मेरे लिए भी उतना ही ज्यादा सरप्राइजिंग था. आई वाज रियली हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी इज गोइंग इनसाइड द हाउस. और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी तक हमको देखने नहीं मिला. आई एम तो लिटरली वेटिंग कि आगे आगे क्या होगा, but yeah I'm really looking forward. And you know Ajaz ki bhi jo personality hai wo bahut pyari nikal kar aa rahi hai samne, specially unki jo unki aur
यू नो जो निकी तंबोली उनका यू नो उनकी जो केमिस्ट्री नोक जो प्यारी लव हेट रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है वो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में. व्हाट डू यू थिंक? सो इजाज की पर्सनालिटी एक्चुअली बहुत प्यारी है. मतलब मैंने इजाज के साथ काम किया, ऑफ कोर्स मैंने सुना भी बहुत है इजाज के बारे में, दैट यू नो घमंडी एटीट्यूड, ईगो, गुस्से वाला, व्हाटएवर, जो वो खुद भी बोलता है कि हाँ मेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं. बट ही इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट पीपल से अबाउट हिम. मैं आप वर्क विथ हिम तो यू नो काम पे तो ज्यादा समझ में आता है. एक होता है कि आप अलग से फ्रेंड्स हो तो आपको शायद फिर भी एक अलग अच्छा साइड देखने में, बट वर्क प्लेस पे ना सबका समझ में आ जाता है हाउ this person is. और मुझे इजाज सेट पे भी आई यूज टू फाइंड हिम लाइक सुपर फनी. वी आर लाइक वी आर अ हाउस ऑन फायर व्हेन वी आर टुगेदर. हमारा सारा पागलपन से आ जाता है बाहर जब हम दोनों मिलते हैं. एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग टू सी दैट साइड ऑफ इजाज जो लोग बहुत ही उल्टा समझते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इजाज का आपको वो भी प्यारा साइड दिख रहा है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया भी देखे हाउ इजाज इज एंड जो उनका परसेप्शन है इजाज को लेकर वो चेंज हो, बिकॉज ही इज एक्चुअली अ वेरी नाइस पर्सन. And fun. और हाँ, and you know सृष्टि जो उनकी bonding है निकी के साथ, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अभी bonding बनी क्या है? जो धीरे धीरे develop हो रही है. Develop होगी तब देखेंगे, because मुझे तो अभी फिलहाल कोई bonding लग नहीं रही है as such. वो कल के episode में थोड़ा बहुत देख लिया, उसको मैं bonding नहीं कहूंगी. I think अभी थोड़ा दिन बीत जाते हैं and then we'll talk about bonds. बिकॉज आज कुछ और है तो आपको पता है घर के डायनामिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. सो आई थिंक थोड़े दिन रुकते हैं, देखते हैं कि कौन किसका एक्चुअली दोस्त है और कौन नहीं है. सो आई वुडन्ट वांट टू कमेंट ऑन द बॉन्ड्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज मुझे पता है वो दो तीन दिन तो सेट होने में लग जाते. राइट राइट. ऑल्सो सृष्टि अगर यू नो बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस को लेकर काफी लोगों के व्यूज जो है वो बहुत डिफरेंट है. कुछ लोग बहुत एंजॉय करते हैं शो को, वेदर दे से इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल या वेस्ट ऑफ टाइम और व्हाटएवर. व्हाट इज योर ओपिनियन? बिकॉज किसी एक फैन का क्वेश्चन भी है कि डू यू थिंक दैट इट इज रूइनिंग आवर कल्चर? Oh, not at all. If you think, then don't watch it. I would just say that, you know, you always have an option of not watching something if you think that it's not right for yourself or for the people in your family. Koi aapko banduk rakhe aapko bitha ke dikha nahi raha hai Bigg Boss. You know, jo bhi cheeze hote hain, koi bhi films dekh lo, jo bhi serials hote hain, sab hamari choice hoti hai. Content banana sabka kaam hota hai. Actors jaate hain. Agar aapko lag raha hai ki aapke liye nahi bana hai aisa kuch content, then don't watch it. That's as simple as that. And I feel that. मेरे लिए तो बिग बॉस बहुत एंटरटेनिंग होता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी ओह आई हैव नेवर सीन बिग बॉस, आई डोंट वॉच बिग बॉस, आई डोंट नो, व्हिच इज ओके. यू नो एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग व्हाट दे वांट टू वॉच एंड व्हाट नॉट. तो बिग बॉस है एक शो है जहाँ पर झगड़े होते हैं, जहाँ पर बिकॉज हमारे नॉर्मल घरों में भी अगर आपको 10 लोगों को बंद कर दो तो कहीं पे भी होंगे. बिग बॉस ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है विद कैमराज इनसाइड एंड दैट्स ऑल्सो for the people to understand and log entertain hote hain. ye bhi jo log kafi log hai jo bolte hain I don't like Bigg Boss but fir bhi dekhte hain because unko bhi kahin na kahin maza aata hai like masala. and Bigg Boss is not only about fights, I think Bigg Boss is also about tasks, Bigg Boss is also about other kind of entertainment. so yeah, otherwise I don't think jisko nahi dekhna chahta wo nahi dekhe, you know it's all about that. सृष्टि हमें बताइए कि आपको कौन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स इजाज, रूबीना एंड अभिनव, इनके अलावा? मैं सच बताऊं, सच बताऊं, ऑनेस्टली नॉट बिकॉज दे आर माय फ्रेंड्स. अगर ये लोग मेरे दोस्त नहीं भी होते तब भी मुझे ये तीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. लाइक यू नो दे आर ऑनेस्टली कमिंग आउट एज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज. लुक एट इजाज, लुक एट रूबीना शुक्ला, लाइक ऑल थ्री ऑफ देम. I think they are extremely strong. Even in person, I know them. मुझे पता है कि नो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है और शो में भी मुझे पता है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, अगर और कोई नाम आपको चुनना हो जो आपको थोड़ा एंटरटेन कर रहा है या चुलबुला लग रहा है या अच्छा? मुझे फिलहाल अभी मैं किसी को समझ नहीं पा रही हूँ बिकॉज वो लगता ना एक दिन ना समझने में लग जाता है. एंड अभी तो फिलहाल आई एम रियली वेटिंग उन तीनों का ही कुछ देखने के लिए. सो आई वुडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी वन एल्स राइट नाउ बिकॉज मैं किसी को समझ में नहीं पाई हूँ. एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता है. I think दो तीन एपिसोड तो लग जाएंगे समझने के लिए कि कौन, बिकॉज अभी कोई दिख भी नहीं रहा है प्रॉपरली. कल भी मुझे लगता है पूरे एपिसोड में निक्की तंबोली दिखी है सबसे ज्यादा. तो आई डोंट थिंक ज्यादा दिखा है कि मैं बोल पाऊँ कि मेरे फेवरेट्स कौन है. सो इट्स टू सून टू टॉक अबाउट हु आई लाइक.
एंड या सो राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. बट आपको लग रहा है कि कुछ लोगों का मानना है, यू नो फैंस भी अभी कमेंट कर रहे हैं कि निकी इज अ सरप्राइज पैकेज एंड शी इज एंटरटेनिंग. आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट क्वोशेंट लग रहा है उनमें? या शी इज एंटरटेनिंग, शी कैन गेट एंटरटेनिंग और इरिटेटिंग के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है. एज ऑफ नाउ आई थिंक शी इज एवरीवेयर एंड शी इज रियली सीन इन द हाउस. मुझे और भी जानना है कि यू नो जैसे अभी शो स्टार्ट हुआ है और लोग कुछ लोग खुलकर नहीं आ रहे हैं, पहले दो एपिसोड हो चुके हैं प्रीमियर और ये, आपको क्या लगता है किनको थोड़ा बकअप करने की जरूरत है? बिकॉज फर्स्ट वीक इज वेरी इनिशियल लेकिन इम्पॉर्टेंट भी, बिकॉज दो सालों से यू नो बिग बॉस हैज बीन थ्रोइंग गुगली वन आफ्टर दी अदर, तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी. 15 डेज में शायद ऐसे रूमर्स हैं कि वाइल्ड कार्ड आ जाएंगे. मैं फर्स्ट टू डेज पे किसी को भी जज नहीं करूंगी, बिकॉज फर्स्ट टू डेज में अगर झगड़ा भी हो जाता है या कुछ कर भी लेते हो ना तो लोग बोलते हैं ओ सो अननेसेसरी. दैट हैपेंस. ओके, बिकॉज आई नो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द शो, आई नो व्हाट इट इज. तो दो दिन में तो आप सीरियसली जज नहीं कर सकते हो, बट दो दिन के सक्सेस आल्सो आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग, बिकॉज लाइक दे हैव द सीनियर्स एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम मसाला इन द शो. आई थिंक इट्स प्रीटी एंटरटेनिंग. उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि किसी को भी अभी मैं बोलूंगी कि बैकअप करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब. बिकॉज कल के एपिसोड में देखा जाए तो कोई भी नहीं दिख रहा था एक्सेप्ट फॉर निकी. बट आई थिंक वो जैसे टास्क मिलेंगे सबकी एक पर्सनैलिटी बाहर आएगी एंड देन वी कैन डिसाइड ऑन हु नीड्स टू बकअप एंड फिर भी कौन नहीं दिख रहा है. तो कल के एपिसोड पे तो कुछ भी जज नहीं कर सकते, और उससे पहले वाला एपिसोड तो प्रीमियर था तो उसमें तो एंट्रीज में ही सारा वो निकल गया था. What do you want to say about your friend Rubina who's inside the house, Ijaz and Abhinav, and also to your fans who always support you and love you? So I know that all three of them are very strong and I hope you guys enjoy watching them, because they are going to give some good content is what I feel. And I would just request you all to support them, because I'm supporting them and I'm sure you like them. आपको भी मजा आया होगा एंड आपके फैंस को भी. थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय बाय.